हमारे गांव अगला गांव पड़े अपना शहजादपुर है, हर चीज भाई गांव में ग्राउंड में वॉलीबॉल का दी, हमारे ग्राउंड का सुधार भाई, और सब मेन मुद्दा शिक्षा का, हमारे गांव के रोड भाई अगला बना नहीं है, नुमान के 10 साल तक सेवा में भाई हमारी, जब तक आपने सोती संभाले हम देखते आए भाई भाई ने कभी एक नंबर का काम करा रहा बिना बने 110% के अंदर का धरन बनेगा। अच्छा नाम क्या भाई का? मेरा रमेश। अच्छा यहाँ की बात कर रहे हैं कि देवेंद्र जी जी जाएंगे? बिल्कुल, अगर कोई शर्त लगाता हो तो लगा सकता हूँ, दो की ले आवा उनकी। अच्छा काम क्या करते हैं आप? किसान। किसान है? हाँ। तो किसानों ने फिर अब की बार मन बनाया है देवेंद्र कादियान की तरफ? भाई आदमी देख कब वोट दी जा रहा है, आदमी देख कब वोट दी जा रहा है, आदमी कौन सही है फिर? हमारे हिसाब से देवेंद्र कादियान ठीक है और पार्टी भी सही है। मेरे ख्याल में कम से कम भी करोड़ रुपए का काम गांव हरे गांव में कर रखा है, गरीब मतलब बिना बने करोड़ रुपए का जो तो गिनवा सकते हैं हम हरे गांव में, हरे गांव में काम कर रहा है सब बिना बने करोड़ों रुपए का काम पहले बिल्कुल कर रहा है। और यदि जीत गया तो फिर क्या उम्मीद है? तोड़ कर देगा, यो एक तरफा कर देगा, यो नहीं देखता पैसा के है, यो तो सेवा में चल रहा है, सेवा में चल रहा है। 15 साल में कोई दलित परिवार कृपा करके हाथ उठा के मुझे बताए, यदि वो आदमी किसी दलित परिवार के घर का किसी का पानी भी पिया हो तो, पानी भी पी के गया हो काम की बात तो इसके बाद बताना कि मेरा काम कराया है। देखो फिलहाल अभी भीड़ देख लीजिएगा, पहले तो भीड़ की बात की जाए, आ जाओ भीड़ देखिएगा भाई साहब एक बार, ये देखिएगा गांव के अंदर कितनी ज़्यादा भीड़ है और जाम की भी स्थिति बन गई है। देवेंद्र कादियान जी आज यहाँ पर जो है पहुँचने वाले हैं, ताऊ जी से बात करेंगे। हाँ नमस्ते जी ताऊ जी। हाँ जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। इसी गांव के रहने वाले हैं? माहौल क्या है चुनाव का? इसी का है, इसी का ही है। देवेंद्र कादियान पक्की बात, बीजेपी पक्की, हमारा रिश्तेदार भी है। अच्छा हाँ इसका बहुत बढ़िया है। गाँव की बात करें कितने वोट होंगे आपके गाँव में? ये मान लो आधार पोलिंग होगी यार, कम से कम 700-800 वोट का है। 1000 वोट में से 800 वोट बता रहे हैं? हाँ। अच्छा हाँ क्यों? काम कर रहा है बढ़िया, कोई बढ़िया बालक है, कोई मतलब है भी नहीं किसी चीज़ का, 85 आदमी है तो मैं बैठ रही हूँ। ताऊ जी इतनी भीड़ कहाँ से आई है? कहाँ से? गाँव के हैं वो, छत्ती है उसके। ये वोट भी करेंगे या वैसे ही भीड़ हो गई? नहीं ये सब पक्के इसके सपोर्टर हैं। पक्की बात है? हाँ पक्की बिल्कुल। जिताओगे? हाँ अच्छा, इसको टिकट मिल गई जे भी ज्यादा पक्का 100% भाई, और गेम दे दिया जिताने का इरादा हारेगा, दूसरे को दे दिया फिर हारेगा, इसकी टिकट नहीं हुई हारेगा फिर वो। अच्छा कांग्रेस का आएगा यहाँ। अच्छा एक बात बताइएगा, जैसे आप बता रहे हैं देवेंद्र कादियान जी की टिकट नहीं होती है तो ये सीट फिर हार जाएगी बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल 100% फिर कांग्रेस आए फिर के बीजेपी वाला कोई मतलब नहीं है यहाँ, सर्विस बंदे के ऊपर है यार। इसी की बात है, कनौलर के वैसी कदा नहीं है देवेंद्र की भाई, 110% देवेंद्र कादियान बनेगा। अच्छा नाम क्या भाई का? मेरा रमेश। अच्छा यहाँ की बात कर रहे हैं कि देवेंद्र जी जी जाएंगे? बिल्कुल, अगर कोई शर्त लगाता हो तो लगा सकता हूँ, दो की ले आवा उनकी। अच्छा काम क्या करते हैं आप? किसान। किसान है? हाँ। तो किसानों ने फिर अब की बार मन बनाया है देवेंद्र कादियान की तरफ? भाई आदमी देख कब वोट दी जा रहा है, आदमी देख कब वोट दी जा रहा है, आदमी कौन सही है फिर? हमारे हिसाब से देवेंद्र कादियान ठीक है और पार्टी भी सही है। पार्टी भी सही है, देवेंद्र जी भी सही है? बिल्कुल। क्यों जिताएंगे देवेंद्र को, कारण क्या है? कारण क्या है? कारण भाई अरेका है यार, एम्बुलेंस की सुविधा और सुविधा, कोई आदमी चला था उससे भी फेस टू फेस बात करे है, इसका तो बहुत फायदा है ना। अरे ये वो दूसरा क्या फायदा, जो तेरे को जानता नहीं पहचानता नहीं तो उसका क्या फायदा है? तो देवेंद्र जी जानते हैं लोगों को? हाँ बिल्कुल। कभी मिले हैं? आज भी हम रहे हैं, बिल्कुल मिले हैं। फिलहाल देखिएगा जी इस साइड में देखिएगा ढोल बज रहे हैं भाई साहब, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, आ जाइए और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कैसा जो है चुनाव को लेकर यहाँ का जो माहौल है वो दिखाई देता है। युवा साथी है, क्या नाम है भाई का? प्रियवर्धन भाई। तो क्या है चुनाव का माहौल, कैसा लग रहा है? देवेंद्र जी का प्रचार बहुत अच्छी तरह से चल रहा है भाई, अब की बार चांस पूरे हैं, लगता है जीत जाएंगे। बिल्कुल भाई, हमारा पूरा सपोर्ट है भाई जी को। अच्छा एक बात बताइए, आप युवा हैं जी, और युवा क्या सोच रहे हैं? युवा यही सोच रहे हैं कि उनके हर तरह की जो वो है वो पूरी की जाए, बस यही उसी के लिए इनको वोट दी जाएगी अभी बस। लगता है देवेंद्र जी जीत भी जाएंगे? बिल्कुल जी जी। गणी वोटा था, गणी वोटा जीत है, काम जीता है भाई, देवेंद्र ना जीता काम जीता है इसका, 10 सालों ले मदद कर रहा है सबकी, बने इस तो बढ़िया और के बने पास को
बिना बने ही मदद कर रहा है, कोई एक तो कुछ ऐसी याद है जो मदद की है देवेंद्र? मदद है बहुत, स्कूटी, साइकिल, एम्बुलेंस, बैठने की सीट, ई रिक्शा, हर गांव में मेरे ख्याल में कम से कम भी करोड़ करोड़ रुपए का काम गांव, हरे गांव में कर रखा है। गरीब मतलब बिना बने करोड़ करोड़ रुपए का, जो तो गिनवा सकते हैं हम, हरे गांव में, हरे गांव में काम कर रहा है सब, बिना बने करोड़ों रुपए का काम पहले बिल्कुल कर रहा है। यदि जीत गया तो फिर क्या उम्मीद है? तोड़ कर देगा, यो एक तरफा कर देगा, यो नहीं देखता पैसा के है, जो तो सेवा में चल रहा है, सेवा में चल रहा है जी। आपका क्या नाम है? गरीब की भी बहुत सेवा करी है इन्हे। क्या नाम है भाई? अशोक। अशोक जी, क्या है माहौल चुनाव का? माहौल एक तरफा, बिल्कुल एक तरफा माहौल है, एक तरफा ही बता दिया गति बिल्कुल। तो दूसरों का क्या होगा भाई साहब? दूसरों खाली 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 बसता उनका, खाली गति बिल्कुल, एक भी वोट नहीं पड़ेगी उधर। अच्छा, क्या कारण है जो इस बार आप एक तरफा माहौल बता रहे हैं? वाह, इतनी करी है इसने, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ये वो, कोई भी गरीब है उसका भी बहुत काम किया, किसी के गरीब का मकान नहीं उसको मकान बनाना, ये वो बगैर बने ऐसा कर रहा है, तो बनने के बाद तो पता नहीं क्या, बिना बने मकान भी बनवा रहे हैं। हाँ, मकान भी बनवा रहे हैं ये गरीब का जो है ना। जी, क्या नाम है भाई का? हर्ष नाम है भाई। साइड में आ जाओ हर्ष जी, आप युवा है, देवेंद्र कादियान जी भी युवा है, क्या माहौल है फिर इस बार चुनाव? एक तरफा का माहौल भाई का, गति नुआ गति एक तरफा, देखो भाई इतने भाई आ रहे हैं और इतने भाई मतलब डबल वोट करवाऊंगे भाई, भाई की गति एक तरफा माहौल है भाई का। कारण क्या है एक तरफा माहौल? देख मैं स्पोर्ट्समैन भाई, मारे गांव अगला गांव पड़ा अपना शहजादपुर, हर चीज भाई का, मैं ग्राउंड में वॉलीबॉल का दी, मारे ग्राउंड का सुधार भाई, और सब था मेरा मुद्दा शिक्षा का, मारे गांव के रोड भाई अगला बना नहीं है, नुमान के 10 साल तक सेवा में भाई हमारी, जब तक हम अपने सोती संभाले हम देखते आए भाई, भाई ने कभी एक नंबर का काम करा रहा बिना बने 10 साल से सेवा में है, कोई पद भी नहीं है, कोई वो भी नहीं है, फिर वो तो तू देख ना भाई कितना भगवान आदमी होगा यो, और बन क्या तेन देख भाई इतने सुधार हुए हैं, चाहे वो बन गया तो कितने होवेंगे, हर चीज में बदलाव होगा। कभी बनने के बाद क्या उम्मीदें हैं, क्या कुछ हो सकता है भाई? सब कुछ होगा, इतनी सगुल्ला का सुधार होगा, गांव के रोड देख सका, रोड आगे होंगे। फिलहाल देखिएगा देवेंद्र कादियान जी यहां पर, तू देख स्वागत भाई का, फूल मालाओं के साथ स्वागत किया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं हजारों की संख्या में गांव के अंदर लोग जो है, भीड़ है दूर दूर तक, लोग नहीं भाई, भाई है भाई के सारे, कोई बड़ा छोटा सब भाई है भाई के, ढोल बज रहे हैं, फूल मालाएं डाली जा रही है, और मैं बात करूं जाम की भी स्थिति बन गई है, गाड़ियां है जो रास्ता है जो वो कहीं ना कहीं लोग होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। ये जो जगह है यहाँ आने जाने वाले को भी तकलीफ है, हमारे पास वहाँ तालाब पे खुली जगह थी और आगे कर सकते थे, मेरी जानकारी में नहीं था, वरना मैं ये जो अव्यवस्था हुई है उसके लिए टीम की ओर से अपने साथियों की ओर से चलो ये भी अच्छा है, और मैं विशेष तौर पे धन्यवाद करना चाहता हूँ कुछ सरपंच साथी हमारे, दोनों युवा सरपंच साथी, देखो भले पार्टी अलग हो लेकिन संदीप भाई अपने भाई को उसके कंधे पे कंधा रखने के लिए, हाथ रखने के लिए आए, मैं विशेष तौर पे संदीप भाई का धन्यवाद करता हूँ, ये पार्टी का मन समझ के नहीं आए लेकिन भाई के लिए आए, इनके इनका जो सहयोग है, इनका जो प्यार है मेरे से आज से नहीं, हो सकता है हम अलग अलग पार्टी में हैं लेकिन एक दूसरे के लिए हम भाई हमेशा तत्पर रहे हैं, कभी मुझे जरूरत पड़ती है किसी काम में, भाई को जरूरत पड़ती है तो एक दूसरे की मदद करते हैं, और दूसरे हमारे साथी हमारी पार्टी में पदाधिकारी हैं, आपके सरपंच हैं नीरज भाई, ये भी अपने भाई को बड़ा भाई समझ के हमेशा मेरी मदद करते हैं, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, ऐसे अपने भाई का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे दोनों सरपंच सांदल खुर्द से धोड़ा भाई आए हैं, जसवीर भाई आया है चटिये से, और कई साथी सरपंच यहाँ पर पहुँचे जो दाएं बाएं बैठे हैं, लेकिन सबका नाम लेना संभव नहीं है, यदि नाम लेने लगा और छूटा तो उसको बुरा लगेगा, इसलिए सारे मेरे सम्मानित, और कुछ दोनों पंचायतों से मेरे हाथ में कुछ सम्मानित व्यक्तियों के नाम हैं, इस पे तो हो सकता है शायद 20-25 नाम हो, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे चेहरे, बहुत सारी मूर्तियां ऐसी बैठी हैं जो पिछले 8-10 साल से जिनको मैं अच्छे से परिचित हूँ, भली भांति जानता हूँ, मेरे अजीज हैं,
कोई नाम छूट जाए तो मुझे उस चीज के लिए माफी देना। हमारे सरपंच साहब आपके गुआंडी किलोड़ से भी आए, मेरे मामा हैं, इसलिए आशीर्वाद देने आए हैं। किलोड़ वाले बैठे हैं, ये बैठे आप। और हमेशा थरू उल्दे पर ने दोनों पंचायतों ने मुझे अपने द्योते जैसा प्यार दिया, इस बात का मैं सबके बीच में बोलना चाहता हूँ। जब भी आपके बीच में गया हूँ कभी ये महसूस नहीं हुआ कि भाई मेरे मामा किलोड़ हैं, लेकिन हमेशा प्यार यहाँ से पूरा मिला है। उल्देपुर से हमारे साथी, मैंने अभी नाम लिया, संदीप भाई सरपंच, एक्स सरपंच आनंद जी, देवेंद्र फौजी जी, रविदास समाज से सुरेश मास्टर जी, रामकिशन कश्यप जी, तारा रविदास समाज से तारा चंद कश्यप जी, राजपाल मास्टर जी, जगबीर खत्री जी, रघुबीर बुधवार जी, महावीर प्रजापत जी, रघुबीर जोगी जी, फकीर चंद वाल्मीकि जी, महेंद्र भदवार जी, रमेश नंबरदार जी, रमेश नंबरदार सांदल खुर्द से, सुभाष जी, लीला प्रजापत जी, सोमवीर जी, और थरू से हमारे युवा साथी नीरज भाई सरपंच साहब। हमारे हरियाणा में चुनाव है, वोटिंग होनी है, आप लोगों को उस दिन फैसला लेना है। ये चुनाव न केवल दो पार्टियों में, दो चेहरों के बीच में चुनाव है। एक चेहरा वो चेहरा है जो मंच के माध्यम से आपको बताया गया, एक गरीब किसान का बेटा जिसने गरीबी से लड़ाई लड़ी, बेरोजगारी से लड़ी, नौकरी का कागज हाथ में लेके नेताओं के पीछे पीछे खूब चक्कर काटे, एक ऐसा नौजवान भाई आपका जिसने नीचे फुटपाथ से लेके छोटे छोटे काम, दुकानदारी, फिर बड़ी दुकान, एक छोटा ढाबा, ट्रक का ढाबा, फिर बड़ा ढाबा, फिर बहुत सारे मन्नत के ढाबे। कहने का मतलब एक बेटा, एक भाई जिसने स्वयं में गरीबी की तकलीफ को समझा हो, बेरोजगारी की तकलीफ को समझा हो, जिसने हर उस पीड़ा को अपने खुद में महसूस किया हो जो एक गरीब परिवार में गांव से निकले हुए नौजवान को महसूस होता है, वो आपका बेटा है जिसने महसूस किया है। दूसरी तरफ एक चेहरा है, पिछले 10 साल से आपने उसको मौका दिया और ये 5 और मिला लो तो 15 साल से आपके बीच में है, कांग्रेस पार्टी का नेता है, वो नेता जिसके पिताजी 4-4 बार 5-5 बार मंत्री सांसद रहे हैं, स्वयं भी सरकार में मुख्यमंत्री के लेवल की कुर्सी पे रहा है, बहुत सारी चीजें आपके बीच में बताने का मन है, लेकिन मोटी मोटी बात बता के जा रहा हूं। और जिस नेता का मैंने जिक्र किया, क्योंकि जब मैं आपके बीच में आया था मैंने 3 शब्द का नारा दिया था, नेता नहीं बेटा, इसलिए मैं नेता के बारे में बता रहा हूं, बेटा के बारे में मैंने बताया। नेता वो जिसने केवल केवल आप लोगों की चुनाव के समय वोट ले जाकर अपनी दुकान चमकाई, अपने चाहते लोगों को मनपसंद जगह पर बिठाया, हर गांव में एक अड्डा, दो अड्डे, कोई कोई बड़ा गांव है तो 3 अड्डे, मतलब 3 परिवारों को फायदा पहुंचाया, उन्हीं से संबंध रखे, उन्हीं के घर गाड़ी के ब्रेक लगाए और उन्हीं से सारे गांव की तसल्ली करी। हाँ भाई चौधरी साहब, के ब्योत है तारे गांव में दणका का, के ब्योत है वाल्मीकियों का, उस आदमी को पूरे गांव का ठेकेदार बनाया, उसको पूरे गांव की जिम्मेवारी समझ के नौकरी की बारी आए, उसी के घर कुछ फायदा पहुंचाने की बात हो, उसी के घर गरीब आदमी। इस प्रोग्राम में हमारी माता बहनें बैठी हैं, 36 बिरादरी के लोग हैं, हमारे दलित भाई भी आए हैं, धानक समाज से, रविदास समाज से, वाल्मीकि समाज से,
मैं पूछना चाहता हूं, उस नेता को 10 साल मौका दिया, 5 साल ये मिला लो, 15 साल में कोई दलित परिवार कृपा करके हाथ उठा के मुझे बताए, यदि वो आदमी किसी दलित परिवार के घर का किसी का पानी भी पिया हो तो, पानी भी पी के गया हो काम की बात तो इसके बाद बताना कि मेरा काम कराया है। उसने किसी भी हमारे एससी भाई का, बैकवर्ड भाई का घर का पानी भी नहीं पिया, आज तक नहीं पिया। काम किया, काम किया। ये बुजुर्ग बैठे हैं, यहां बैठे हैं, अपनी उम्र से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों से वहां बीएसटी कॉलोनी में पैर दबवाता था, पैर दबवाता था। यदि कोई भाई कहता कि नहीं दबवाता था, एक बार हाथ उठा लेना भाई, कहता झूठ बोलता हूं, इसका मतलब मैं सच बोल रहा हूं। अपनी उम्र से ज्यादा उम्र के लोगों से पैर दबवाता था, हमारे बुजुर्गों से। आजकल चेहरा थोड़ा बदल लिया है, बुजुर्गों का कहता ना जी मेरी गलती थी, अब पैर दबाने छोड़ दिए। नया ड्रामा लेके आया है, हमारे दलित भाइयों के बीच में अलग से कार्यक्रम रखता है, कोने में ले जाके खुजर खुजर करके बोलता है इब की बार मौका दे दो, बनते ही सबके सौ सौ गज के प्लाट, कोई घर नहीं बचेगा। अरे भाई किसो पंचायत की जमीन होगी, किसो गांव में चपेटे देगा तू कितने देवे, क्योंकि वो वोट लेने आया है। असली चेहरा वही जो आपने 15 साल उसका देखा, जिसने गरीब आदमी का पानी तक नहीं पिया, वही चेहरा आज हमारे दलित भाइयों के बीच में अलग से मीटिंग रख के बोलता है भाई सबको सौ सौ गज के प्लाट दूंगा, थारे बड़का तो नौकरी दूंगा। हमारी माता बहने बैठी है, बुजुर्ग बैठे हैं, कोई नौकरी नहीं है। आजकल नौकरी मिलती है जिसका बच्चा होशियार होता है, जो पढ़ाई में अव्वल होता है, चाहे उसके घर में पैसे ना हो, चाहे उसके घर में नेता की सिफारिश ना हो, उसके घर का दिया अपने आप जलता है।